किसान 100 करोड़ रुपया सेहत मत विभाग से हिंदुस्तान को समर्पित बजट 2018-19 पर आपने मुझे आपने मेरी बातों को ध्यान से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समृद्ध किसान सेहतमंद हिंदुस्तान को समर्पित बजट 2018-19 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आम बजट 2018-19 के माध्यम से अरसे बाद इस बात की आस जगी है कि विकास की बयार हमेशा शहरों से ही गांव की को नहीं बहेगी, बल्कि गांव के देश भारत के ग्रामीण स्वच्छंद होकर विकास भी करेंगे और सिर उठाकर जिएंगे। इस दिशा में अग्रसर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी की सोच और कवायद जमीन पर उतरी तो न्यू इंडिया बहुत दूर नहीं, वह न्यू इंडिया जिसने गांव शहरों के मुकाबले खड़े होंगे। पलायन बीते दिनों की बात होगी और किसानों की आत्महत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी अभिशाप से शायद देश मुक्त हो जाएगा। बजट में इस बात का प्रावधान है कि छोटे और मझोलों किसानों की उनकी उपज की उचित मूल्य दिलाने के लिए छोटे ग्रामीण हाट व बाजारों की मंडी में तब्दील किया जाएगा। इस हेतु सभी राज्यों में ऐसे 22,000 ग्रामीण बाजार चिन्हित किए गए हैं जिसके ढांचागत विकास के लिए मनरेगा और अन्य योजना का उपयोग किया जाएगा। इन्हें मंडी कानून से भी छूट दी जाएगी। इन मंडियों में किसान अपनी उपज को सीधे उपभोक्ताओं एवं थोक विक्रेताओं को बेच सकेंगे। पहले मंडी कानून की गड़बड़ियों के कारण यह सुविधा किसानों को नहीं मिल पा रही थी। इन मंडियों को ई नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार के प्रावधानों से भी अलग रखा गया है। हर खेत को पानी और किसानों की माली हालत सुधारने के लिए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत के मुकाबले बढ़ाकर 1.5 गुना करने की घोषणा दूरगामी कदम सिद्ध होंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और गांव की तस्वीर भी सुधरेगी। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, तब प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने किसानों की समृद्धि और सेहतमंद हिंदुस्तान के सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे कदम बढ़ते हुए दुनिया के सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देश के 10 करोड़ परिवार यानी करीब 50 करोड़ लोगों को मिल पाएगा। यह एक आम भारतीयों के उम्र में इजाफा करने के साथ ही निजी हेल्थ के सेंटर को भी मनमानी पर रोक लगाएगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में भी विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं को वित्त मंत्री जी ने 138 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। यह स्वागत योग्य कदम है और इसके परिणाम स्वरूप देश इज ऑफ लिविंग की दिशा में अग्रसर हो पाएगा। युवा आबादी को सही नियोजन रोजगारपन और उच्च शिक्षा से ही संभव होगा। इस दिशा में उच्च शिक्षा के ढांचे में भी मजबूती बनाने के लिए अगले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश उल्लेखनीय पहल है। यह राशि शोध और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाएगा। राज्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल को वित्त योजना हेफा उच्च तर शिक्षा विशेष पोषण एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा और इन कदमों से हमारे उच्च शिक्षण संस्थान विश्व स्तरीय बन जाएगा और बजट में घोषित प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता पहल भी स्वागत योग्य कदम। महिला सशक्तिकरण के दिशा में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री उजाला गैस योजना पत्थर का मील साबित होगा। प्रधानमंत्री उजाला योजना के अंतर्गत अब तक 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए बजट 2018-19 में बढ़ाकर 8 करोड़ गरीब महिलाओं को लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के मद्देनजर जनवरी 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि खाता योजना बहुत ही सफल रही है। आज इसके अंतर्गत बालिका के नाम से देश भर में 126 करोड़ खाता खोले गए हैं, जिसमें 19,183 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योग के बढ़ावा के लिए भी सरकार काम कर रही है और इसका भी बजट में प्रावधान किया गया है। 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित कर इस क्षेत्र में भी गति प्रदान करने का सरकार ने निर्णय लिया।
इसके अतिरिक्त संगठित क्षेत्र में नए रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को करों में छूट के साथ ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना के निर्माण के माध्यम से रोजगार सृजन करने का प्रावधान बजट में मौजूद है। इसके साथ ही युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए हर जिले में कौशल विकास केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव भी सरकार के द्वारा यह सराहनीय कदम। न्यू इंडिया बनाने का नारा सिर्फ शहरों और एक मिनट सर खास वर्गों के सीमित नहीं रह जाएगा, इस बात को पूरा ख्याल आम बजट में किया गया है। मैं अब एक बात अपने क्षेत्र सीतामढ़ी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सरकार 19 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान इस बजट में किया है, जो वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मैं सीतामढ़ी माँ जानकी की जन्मस्थली से आता हूं और वहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैं आग्रह करता हूं कि आपने जो नए प्रावधान किया है 24 मेडिकल कॉलेज खोलने का।